स्टार्ट करो। ओके प्यारे दोस्तों, मैं योग विद्या का आपका परिचय करा रहा था। तो मैं किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी क्षेत्र का कहीं का नहीं, मैं केवल मनुष्य हूँ। दिखता हूँ ना मनुष्य, जानवर तो नहीं दिखता नहीं। तो मनुष्य हूँ तो पूरे ब्रह्मांड का हूँ, क्योंकि आपको बताया अयम निजा परो वेदी गन्ना लघु चेसा उदार चैता नाम वसुदेव। मेरा दूसरा परिचय है मातृवत पदारेशु परदर्वेशु लोष्वत आत्मसर होते सु यह पश्यति स पंडिता, यह पश्यति स पंडिता। मातृवत पदारेशु, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं सबको माता की तरह सम्मानित करना चाहिए। आपके मन में विचार होने चाहिए कि आपकी पत्नी छोड़ के जितने भी बहन बेटियां हैं दूसरों की, सब आपकी माँ की तरह उनका सम्मान करो। यत्र नारी पूजन्ते रमण्यते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, सब कुछ है, सबका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि महिला का बहुत ही महत्व होता है, उसी माँ से पैदा लिए, उसी पत्नी से तुम्हारे बाल बच्चे पैदे होंगे, तो सृष्टि का जो स्रोत है वो नारी होती है, तो नारी का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए ये वेद में कहा गया है मातृवत पदारेषु, अपनी माँ की तरह सारी नारी को देखो, आपकी पत्नी है उनको पत्नी की तरह देखो। मातृवत पदारेषु परदर्वेषु लोष्वत, दूसरे के धन पर लोभ लालच मत करो, लोभ पापस्य करना, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। लोभ सारे कुकर्मों का कारण होता है। देखो ईडी और हमारे जो सीबीआई है सब छापा मारा ने छापा, भले क्या होता था, बहुत लोग कुकर्म करके किसी न किसी तरह छिप जाते थे राजनीति में जाके और बच जाते थे, लेकिन अब ऐसा डंडा चलता है ना कि आप चीफ मिनिस्टर हो शिबू सोरेन और जो भी सोरेन हो गई वहाँ का रांची वाला, क्या नाम है वो झारखंड, लल्लू यादव को देखो, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं केजरीवाल को देखो, ममता बनर्जी को देखो, सारे के पीछे ईडी और सीबीआई लगे हुए, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा तो देश का विकास नहीं, समझ रहे हो क्या। तो योग हमें सिखाता है लोभ मत करो, लोभ मत करो, जितना उसमें संतोष से रहो। योग समझ गया। तो योग का यही मतलब है कि पूरी समाज में सम्मानित ढंग से जीव दूसरे मत करो, आत्मसर होते सु सारी आत्माओं जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को अपने तरफ व्यवहार मिला कट करो।